पुलिस और वन कर्मियों पर फायरिंग कर हमला करने के वांछित अपराधी इरफान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला यूआईटी थाना फेज 3 भिवाड़ी के अंतर्गत कहरानी क्षेत्र का है, जहां 2016 में अवैध खनन के खिलाफ कार्यवाही करने गए वन कर्मियों और पुलिस दल पर हमला किया गया और फायरिंग भी की गई, जिसमें वनपाल संपत राम ने मामला दर्ज कराया था, जिसमें आर्म्स एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, राज कार्य में बाधा सहित जानलेवा हमला करने के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसमें फरार चल रहे आरोपी इरफान पुत्र समसू को कहरानी से गिरफ्तार किया है। दिसंबर 2016 में पुलिस तथा फॉरेस्ट की संयुक्त कार्रवाई में कुछ लोगों ने कार्रवाई के दौरान राज कार्य में बाधा पहुंचाई थी, जिसमें इरफान समसू निवासी कहरानी पर सर उस समय बताया जा रहा है कि पुलिस गाड़ियों पर काफ़ी नुकसान और पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। उस समय जब पुलिस और वन विभाग की जो संयुक्त कार्रवाई चल रही थी, उस दौरान भीड़ में कुछ लोगों ने पथराव किया था, जिसमें गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई थी और कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें आई थी।